बहुत ज़्यादा रेट हाई है। सर ये इनके मुझे बताया था 3,80,000 रुपये मैंने लिया है, 2,65,000 रुपये का। ₹14,00,000 और ₹15,00,000। अस्सलाम वालेकुम दुनिया और पाकिस्तान के साथ, आपका मेज़बान अमीन रज़ा आपकी खिदमत में आज एक बार फिर से हाजिर है। आज मैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कराची में सजती है वो ज़ोरों शोर के साथ सज गई है। ख़रीदार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी जो है यहाँ बियाबान बैठे हुए हैं और अपने जानवरों के साथ इस इंतज़ार में कि ख़रीदार आएँ तो वो अपने जानवर उनको बेचें। इस वक्त मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए? आप आए गुड के ज़िले से। ख़रीदार ऐसे नहीं आते हैं, जो महंगाई बढ़ रही है। हम इधर पट्टी जो लेते हैं 20,000 में, अभी 40,000 चल रही है। 108 दिन मुसीबत आती है, वो नंबर नहीं मिल जाता, पानी नहीं मिल जाता। जो चारा हम खवाते हैं 1500 का, अभी 3,000 में चल रहा था। जो मज़ूर हमारे साथ कम करे आगे 4,000 में, वो 8,000 ले रहा था। महंगाई है जैद, वो आते हैं वो चले जाते हैं। वो सारे गुजरा साल जो होता है, भाई मुझे बछड़ा दे दो, जो गुजरा साल में गुजरा था भाई। अभी तो महंगाई है बहुत, जो डाल्टा था 300 वाला वो मिल रहा था 700। तो आप डाल्टा की कीमत जानवरों से? हाँ हाँ भाई, बच्चे भी खाने हैं ना, बच्चे भी ये खाने के, हमारे घरों तो नहीं भरेंगे, पेट भी पालना है, बच्चे भी खाने हैं। वो जो किराया था, किराया हम भरते थे 40,000 में घोट के जिले का, अभी भर के आए हैं हम, 2 टेलर लेके आए हैं 3,00,000 में, किधर 80,000 किधर 3,00,000। तो ज़ाहिर है बछड़े भी इधर निकाल गए ना पैसे। जो बछड़े हैं आप हमें दिखा सकते हैं उनके रेट वगैरह जो है, रेट आप उनके रेट भी बताएं। जी नाजरीन मेरे साथ चलिए कि यहाँ पे कुछ जानवर मेरे बैक साइड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके रेट भी पूछते हैं और पिछले साल ऐसे जानवर की कीमत क्या थी और इस बार क्या है। चलो ये हम उधर से जो 3,50,000 का, सर कुछ वज़न कम है, समझिए जितना वज़न होता है, जितनी खूबसूरती है उसके पैसे इतने मांगे कि ये भी 3,50,000 का करीब था, तकरीबन 7,00,000 का है। 72 ब्लॉक 72 पट्टी नंबर थी 5 1806-3909। जी नाजरीन इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मंडी में मौजूद हैं, उनके कमर्स लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फतेह नाम है और मैं मंडी आया हूँ, मैं कराची का रहायशी हूँ। लेकिन माल तो महंगा है लेकिन यहाँ पर ख़रीदारी कोई नहीं है। पूरी मंडी में 3-4 दिन से मैं ऐसी घूमने बच्चों को लेके आ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे तो कोई ख़रीदारी नज़र नहीं आ रहा है कि ख़रीदार होता है कहाँ है। किराया महंगाई इस कदर है कि बंदा जो कुर्बानी के अलावा ख़रीदे कैसे, और यहाँ पे माल के पैसे इतने मांगे। व्यापारियों का आपके साथ बिहेवियर और व्यापारियों की डिमांड? व्यापारियों की डिमांड जो 1,00,000 वाला जाना हुआ 2,00,000 पे पहुँचा हुआ है। महंगाई इस कदर है, व्यापारी यही रोता है कि हमारा दाना महंगा है, हमारी ख़रीदारी पीछे से महंगी, हम कहाँ से लेके आएँ, यहाँ की मंडी के अखराजात जितने कहाँ से बंदा पूरा करेगा, वो माल से पूरा करेगा ना। सारी बात तो यहाँ पर आती है, व्यापारी अपनी जेब से तो दे नहीं सरा। आप ये देखें ना, मेरी तो ये अपील है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है पत्नी क्या सो रही है, गरीबों को रिलीफ दें, पेट्रोल को नीचे लेके आएँ। दूसरे मुल्कों कितना ऐसा ना हो कि इसका भी हाल यही हो रहा है। वालेकुम सलाम जी। जनाब कब से मौजूद हैं आप? जी 5 दिन हो गए। बहुत से लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं, रेट इतने भाई हैं कि बस उनकी समझ में भी नहीं आता है। और उसके बाद हम गाड़ी वाले हैं, 450 की हमारी पर्ची है। उसके बाद माशाल्लाह हमारे ट्रैफिक वाले सबसे पहले हमको रोकते हैं, तो अभी समझ नहीं आती कि मंडी आएँ या नहीं आएँ, ऐसी महंगाई में बहुत मुश्किल है ज़रा। बस यही 7-8 दिन हो गए इधर आए हुए, काम वहाँ भी नहीं है मंडी के अंदर, सिलो पड़ा हुआ है बिल्कुल, ख़रीदार ही नहीं, बिल्कुल भी ख़रीदार ही। नाजरीन इस वक्त मेरे पीछे अकब में आप देख रहे होंगे कि एक झुंड व्यापारियों का नज़र आ रहा है, ख़रीदार ना होने की वजह से ये बेचारे इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई ख़रीदार आए वो अपना जानवर बेचें। वालेकुम सलाम सर, आपको ये 50,000 पे एक पट्टी का ले रहे, गरीब लोग को नहीं पानी मिल रहा है, नहीं लाइट चल रहा है, 1,10,000 रुपये ट्रक ले रहे, गरीब लोग किधर जा रहा हूँ? ये ऐसे गरीब लोग को ये देखो कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं है, ऐसे गई खाना भी नहीं है, सारा दिन मजदूर अभी 5,000 देगा, अभी 15,000 ले रहे हैं मजदूर। वालेकुम सलाम भाई, हम डंगर ले हैं दूर से, महंगे ही बहुत है जो है, बोलते हैं हम बोलते हैं 3,00,000, वो बोलते हैं 1,00,000, ठीक है ये खर्चा है। हम जो है पाले हैं डंगर बहुत मेहनत से, ये 2,00,000 का है, वो 2.5 लाख का है, वो 2.5 लाख का है, वो 2,00,000 का है। इस वक्त आपके स्टॉल पे सबसे कम कितने का है और महंगा वो जो है कम महंगा सबसे कम सस्ता है? सस्ता है बस 1,00,000 का है, 1,00,000 का।
नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, उनके कमेंट्स लेंगे, जो कि बड़ी मुश्किल से मुझे पहला ख़रीदार मंडी में आज मिला है जो इस वक्त माशाल्लाह जानवर लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने का मिला सर ये? इनके मुझे बताया था 3,80,000 रुपये मैंने लिया है, 2,65,000 रुपये का। सर पिछले साल की नस्बत तो मेरा कमेंट यही होगा कि इस बार मंडी बहुत ज़्यादा टफ है। वो तकरीबन व्यापारियों के मुँह तो इस तरीके से फट रहे हैं, 5,00,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। अब जो नसीब में था वो मिल गया। वालेकुम सलाम जी, खरीदार हैं या नहीं? अभी कम है। कितने दिनों? हमारे को 10-15 दिन हो गए। कितने जानवर लाए? हम 30 लाए थे। अभी कितने में? अभी 20 है। नहीं, इधर पानी एक टाइम का मिलता है और घास भी खरीदते हैं, हर चीज़ महंगा हो गया है। वालेकुम सलाम। इस बार मतलब बहुत ज़्यादा रेट हाए हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब का माल इधर आया नहीं है, सिर्फ सिंध का माल है, और महंगाई के तौर पर तो बहुत उरूज पर आए। छोटे छोटे जानवर के 5-5 लाख रुपए मांगे, किसी के 10 लाख बताए, किसी के 5 लाख बताएं, और किसी के मतलब कोई 2-2.5 लाख का तो कोई जानवर ही है, डायरेक्ट 5-6 लाख जोड़ी के तो 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये ख़रीदार तो हैं, अल्लाह दिला दे। जो कमेंट्स ये हैं कि मैं तो अभी अपने बच्चों को लेके आया हूँ और माशाल्लाह से बड़े प्यारे जानवर आए हुए, और रेटों में तो मैंने अभी पूछा है मगर 5-6 लाख से कम नहीं, खूबसूरत जानवर। और अभी मुझे आइडिया नहीं है, मगर ये कि मैं अपने बच्चों को दिखाना आया हूँ, मगर माशाल्लाह से मंडी का डिसिप्लिन और मंडी बड़ी अच्छी लगी हुई है, कोई माशाल्लाह से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है चीज़ों में, और मोबाइल सिंगल्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और नेट की सहूलत अभी तक नहीं है, मेरे ख्याल से शायद आने वाले वक्त में हो जाए, और माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हैं, और बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, मेरे ये कमेंट्स है। और मुझे नहीं लगता कि माशाल्लाह से सारी चीज़ें बिक जाएंगी, हम लोग महंगाई की बातें करते हैं मगर महंगाई है, मगर हर साल जैसे बिकता है तो इंशाल्लाह इस साल भी सारा जानवर बिक जाएगा अल्लाह की राह में, और लोग इंशाल्लाह ज़रूर ले जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक ख़रीदार अपने कमेंट्स देते हुए कि महंगाई तो है लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बानी सबसे अजीज़ यही होती है जो दिल से की जाए। उनका ये कहना था कि जानवर कुर्बान ईद पर सब ही बिक जाएंगे लेकिन हम इंसान अगर सब्र और तहम्मुल से काम लें। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप किसके साथ आए? मैंने बाबा के साथ, भाई के साथ। मंडी आके कैसा लगा? मज़ा बहुत आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी गायें, बस ये सारी गाय रह जाए। अभी तो आए लेकिन अभी बस थोड़ी सी देखें, अभी और देखेंगे। मज़ा आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार जानवर तो बहुत महंगे इस दवा में आए हुए, और इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं, किस्मत में जो जानवर मिलेगा तो ले जाएंगे, महंगे हैं जानवर। पिछले साल तो फिर भी सही थे, इस साल रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह देखते हैं। अभी तो हम पहले टेंट में अंदर घुसे तो देख रहे क्या हो रहा है। वालेकुम सलाम। मंडी की रेट्स बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा ही हाई है मंडी की रेट्स। जिस जानवर पे हाथ रख रहे हैं अवर लेज पे जा रहा है, किराए जैसे मिल रहे हैं कोई 4,00,000, 5,00,000, 20,00,000, 35,00,000, इससे कोई अच्छी बात ही नहीं कर रहा। वालेकुम अस्सलाम। इस साल तो बहुत महंगी है, दूसरे साल तो सस्ती थी ना, अभी डिमांड नहीं बन रही है हम लोग लेवे, और बहुत महंगी है। अब देख लो जानवर भी देख लो, अब क्या रेट मिले? रेट तो बहुत हाई पाई है, 14,00,000 और 15,00,000। इसके ये गरीब आवाम कौन ले गई? ये साल में तो करवाएगा भी नहीं है गरीब आवाम। जी नाजरीन, मंडी का हमने जो है मुआवजना भी किया और मंडी में तकरीबन व्यापारियों और ख़रीदारों के दोनों के कमेंट्स लिए। जानवर इस कदर महंगे हैं, व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।